हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का डिश न्यूज चैनल पर। आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्रिकेट लवर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का दोबारा फिर मैच आज होने वाला है। करंटली एशिया कप चला हुआ है और जिसमें सुपर फोर के अंडर पाकिस्तान और भारत का मुकाबला शाम को 6:30 बजे के बाद आप देख पाएंगे। लेकिन बहुत से यूज़र्स ये कहते हैं कि हमारा डीडी फ्री डिश पर डीडी स्पोर्ट्स चैनल नहीं चलता है, एमपीजी फोर बॉक्स हो चाहे एमपीजी टू, हमने कोशिश कर ली है लेकिन डीडी स्पोर्ट्स चैनल नहीं चल पा रहा है। देखिए, इसके लिए तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो डीडी स्पोर्ट्स चैनल नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने सेटअप बॉक्स में ही सेटिंग करके देखनी होगी। इसके लिए आपको मेन्यू का बटन प्रेस कर लेना है और ऐड न्यू प्रोग्राम में चले जाना है। ऐड न्यू प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इस प्रकार फिल करनी होगी, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है 11550 और सिंबल रेट 29500। पोलैरिटी वी रहेगी। देखिए, यही सेटिंग हमेशा रहेगी, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अगर प्रसार भारती ने फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी तब इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, अदरवाइज सेटिंग सेम रहेगी। अगर आपको सैटेलाइट की सेटिंग करनी है तो सैटेलाइट के लिए आपको यहाँ पर LNB फ्रिक्वेंसी में डालना है यूनिवर्सल। आपके केस में अगर यूनिवर्सल नहीं है तो आपके केस में केवल फ्रिक्वेंसी दो देखने को मिलेंगी, फ्रिक्वेंसी वन और फ्रिक्वेंसी टू। आपके उस केस में नहीं लिखा होगा, केवल 05150 लिखा होगा, वहाँ पर डाल दीजिए 09750। और दूसरी फ्रिक्वेंसी में भी आप 09750, दूसरी साइड में भी आप 09750 कर दीजिए तो आपके ये चैनल चलने लगेंगे। मेरे केस में यूनिवर्सल है तो मैंने यूनिवर्सल किया हुआ है, यूनिवर्सल में रहेगा 97.50 और 10.600। इस प्रकार कर लेने के बाद आपको केवल स्कैन करना है, स्कैन करते ही आपका डीडी स्पोर्ट्स इस फ्रिक्वेंसी पर आ जाएगा। हम यहाँ पर स्कैन करके दिखा देते हैं। स्कैन के लिए ओके का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं स्कैनिंग स्टार्ट हो गई और यहाँ पर मिलने वाला चैनल्स आपको डीडी फ्री डिश के डीडी स्पोर्ट्स पर लेकर जाएगा। डीडी स्पोर्ट्स चैनल की फ्रिक्वेंसी स्कैन हो चुकी है और यहाँ पर डीडी स्पोर्ट्स ये रहा, देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट्स चैनल चला हुआ है। यहाँ पर हम पिक्चर को दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो इस प्रकार सेटिंग करेंगे, आपके सिग्नल 100% आ जाएंगे। सेटिंग तो आपको ही करनी होगी, अगर सेटिंग नहीं करेंगे तो नो सिग्नल बार बार बोलते रहेंगे। अगर LNB स्क्यू चेक करना है तो इस प्रकार सेट कर लीजिए, LNB को रोटेट कीजिए, रोटेट करने से ही आपका सिग्नल सही आएंगे। अगर इस प्रकार करने से नहीं आता थोड़ा सा और रोटेट कर दीजिए, रोटेट कर करके देखिए कहाँ पर सिग्नल आ रहे हैं। अगर फिर भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो एंटीना थोड़ा थोड़ा, जैसा कि आपको यहाँ पर हमने बताया है कि किस प्रकार सेटिंग करनी है एंटीना की, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अप डाउन करके फिर लेफ़्ट राइट करके सेट कीजिए कि डीडी फ्रीडिस के सिग्नल कहाँ पर इंक्रीज हुए हैं या डीडी स्पोर्ट्स की फ्रिक्वेंसी जो हमने बताई है उस पर सिग्नल आए हैं कि नहीं आए हैं। सेटिंग कीजिए अच्छे से, तभी आपका डीडी स्पोर्ट्स चल पाएगा। तो आनंद लीजिए आज का मैच का, हम मिलते हैं किसी और नई अपडेट में, तब तक धन्यवाद।